Hello students, so I am back for the question number 18th of your assignment. Most of you asked for this question and I made one more video, but I get to know that the video quality was not good. So I am making it once again. Now look for the question. In the adjoining figure, ABCD is a square with side of length 6 unit. Point P and Q are the midpoints of the side BC and CD respectively. Initially this question looked like a geometric question. It kahin se bhi probability ka question to lag hi nahi raha hai, but it is a probability question beta. Jab hum aage padhenge, usne kaha if a point is selected at random from the interior of the square, what is the probability? Look, they ask for the probability, so this is a probability question that a point will be chosen from the interior of a triangle. हमसे ये पूछा गया है, वी हैव वन स्क्वायर और उस स्क्वायर की सभी साइड 6-6 यूनिट्स की हैं एंड हमको उस स्क्वायर में से एक पॉइंट चूज़ करना है. स्क्वायर में से कहीं से भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, बट उसने ये कहा है कि आप ये बताइए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पॉइंट चूज़ किया होगा वो इस ट्राइंगल में से होगा. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, चलिए थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. उसने हमें स्क्वायर दिया हुआ है, वी कैन चूज़ पॉइंट फ्रॉम एनी वेयर इन द स्क्वायर. वो पॉइंट यहाँ से भी आ सकता है, वो पॉइंट यहाँ से भी आ सकता है, वो पॉइंट यहाँ से भी आ सकता है. इट मीन्स वी कैन से दैट पॉसिबल आउटकम्स आर दिस होल स्क्वायर. दिस होल स्क्वायर रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल आउटकम. वी कैन टेक पॉइंट फ्रॉम एनी वेयर इन दिस स्क्वायर, सो वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आर that a point can be taken from anywhere from this square. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि this whole area of square represent the possible outcomes and favorable is he asked for the probability that a point chosen from the triangle. So if a point come from this triangular area, it will be favorable to us. So we can say the area of triangle is in favor of us. Possible outcome is the area of square and favorable outcome is the area of triangle. Now let's see how to find these two area. Ab square ka area to easily calculate kar sakte hain kyunki hamare paas side hai aur hame pata hai area of square hota hai side into side. Problem aayegi is triangle ke area ke sath. To main aapko batata hu ab kaise triangle ka area calculate karenge hum. Triangle ka area ka calculate karne ka ek tarika ye hai bachcho ki hum इस ट्रायंगल की तीनों साइड कैलकुलेट करें और फिर हिरॉन्स फार्मूले से इसका एरिया निकालें. वो बहुत लेंथी हो जाएगा. उसके अलावा एक और शॉर्टकट, एक स्मार्ट वे है, वो मैं आपको बताता हूँ. अगर आप ये तीन ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल डी क्यू ए, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल क्यू सी पी, अगर आप ये तीन ट्रायंगल देखें, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि ये तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है. जैसे ये डी पे राइट एंगल है, ये ट्रायंगल बी पे राइट एंगल है, ये ट्रायंगल सी पे राइट एंगल है. सो ये तीनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर. और फॉर्चुनेटली हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही अवेलेबल है यहाँ पे. देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए डी क्यू की, ए डी इसका बेस है जो कि 6 यूनिट है और डी क्यू इसमें परपेंडिकुलर है जो कि 3 यूनिट है. अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें ए बी पी की, ए बी इसका बेस है जो कि 6 यूनिट है, बी पी इसकी परपेंडिकुलर है जो कि 3 यूनिट है, और क्यू सी पी में बेस भी 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी 3 हो जाएगा. तो देखिए हमने एरिया कैसे कैलकुलेट किया. क्यू सी पी का एरिया आप देख सकते हैं हाफ 3 × 3 और हमें मिल गया 4.5 यूनिट स्क्वायर यूनिट. सेम वे में ट्राइंगल ए बी पी हाफ 6 × 3 एंड देन ए डी क्यू हाफ 6 × 3, दोनों का एरिया 9 9 आ गया. अब जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए क्यू पी, इसके एरिया के लिए हम स्क्वायर में से इन तीनों ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे. नाउ यू ऑल लुक हियर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल एंड वी गॉट 13.5 एंड इन दिस वे द प्रोबेबिलिटी इज 13.5/36 एंड दैट विल बिकम 3/8. तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई. दोज हु वॉन्ट टू राइट इट डाउन, दोज हु वॉन्ट टू look for the presentation in this particular question, I have shown it here. You can pause my video and then you can write it down. Okay, I hope you all understood it. If you still have any problem, you can write me on comment box or tomorrow whenever you come to classroom, you can ask there. Have a nice day. Goodbye. Take care.